बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये चटनी बहुत ही चटखारेदार और बहुत मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं कि हमें यह चटनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं और 4 लहसुन के जवे। अब मैंने एक टमाटर लिया है, एक अदद प्याज, 2 से 4 चम्मच इमली को भिगोकर रख दिया था, 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें चाहिए चटनी बनाने के लिए। तो आइए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमली के बीज निकाल लेंगे और पल्प रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इमली के तमाम गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लेंडर लिया है, इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी इमली का पानी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरी मिर्ची और लहसुन के जवे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 अदद प्याज। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। इसके बाद हम इसमें नमक और अब ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारी जो चटनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। लेकिन हमने इस चटनी को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, हमने इस चटनी को मोटा मोटा रखना है। इससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलें अब इसको ब्लेंड करके आपसे मिलती हूँ। जी तो यहाँ पर हमारी चटनी ब्लेंड हो चुकी है। जी ये देखें हमारी आज की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और बकरा ईद पर ये वाली रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। आप चटनी बनाएं और अपने हर खाने के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही चटपटी और चटखारेदार चटनी बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।